अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। हम लोग बाज़ार गए थे शॉपिंग करने, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सकी। बस अभी मैं आई हूँ, तो मैंने कहा चलो कुकिंग करने से पहले मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। ये तो उसके अंदर सारा मेरा वो ड्राई मसाला, नमक, मिर्च, जो भी सब चीज़ें फिनिश है। ये चिकन मटन लेके आई हूँ, इसके अंदर कैट फूड भी है और भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा चिकन कॉटेज भी लिया है, राइस, स्वीट पोटैटो, ये नॉर्मल टमाटर, वो प्याज हैं, ये है स्वीट पोटैटो, ये दूसरे पोटैटो, आटा भी, ऑयल भी, और फिर कुछ ले लिया चीज़ें। अब इनको समेटने का काम है। ये दूसरे मसाले लिए मैंने, और यहाँ पे भी दही वगैरह, योगर्ट, जो भी, धनिया, पुदीना, काफ़ी चीज़ें हैं। अभी इनको समेटने में भी टाइम लगेगा, और बस चले फिर काम को भी मैंने करना है स्टार्ट, और फिर मैं आपको कुकिंग करने के टाइम मिलती हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपको सारी शॉपिंग दिखा दी, अब थोड़ा सा मैंने उनको कवर अप कर दिया, समेट दिया मतलब। तो अब सजी बनाने की तैयारी थी। वारस ने, मेरे बेटे ने बोला कि आज सजी बना दें, और मेरा तो दिल था शोरबा खाने को, मैं लेकिन बनाऊंगी इंशाल्लाह शोरबा भी और सब्जी भी। चलिए इसको पहले ना हम लोग विनीगर लगा के आधे घंटे के लिए रखते हैं, और ये मैं चीज़ें करके मैरिनेट करके, तो फिर मैं जब मैं बनाती हूँ फिर आपसे दोबारा मिलूँगी इंशाल्लाह। चलिए अभी इसको ना पहले विनीगर लगाती हूँ, थोड़ा सा विनीगर लगा के, ये 2 टेबल स्पून ही देख लें, बस इतना ही काफ़ी है, और साथ में नमक। अभी बर्तनों की भी आवाज़, बर्तन भी अभी वैसे मैंने वॉश की है, ये नमक लगा रही हूँ, बाद में फिर इसको अच्छी तरह बाद में वॉश कर लेंगे। पानी लगा के रख देती हैं, विनीगर लगा रही है मैंने जी। अभी मैं चिकन मलाई बोटी बनाने लगी हूँ, जिसे चिकन मलाई टिक्का भी कह लें, और इसमें मैं पहले डालने लगी हूँ, ये मैंने 3 या 4 आप कर लें, मैंने 3 की, मेरी ग्रीन चिली ज़्यादा मतलब मोटी वाली ग्रीन चिली थी, इसलिए मैंने 3 ली हैं ग्रीन चिली, और इनकी पेस्ट बना ली है। ये इसके अंदर ऐड करूँगी, और बाकी जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेशनल का टिक्का, मलाई टिक्का इसमें डालने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं कम करूँगी क्योंकि 1/2 kg के लिए डाल दिया, और साथ ही मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून योगर्ट। ठीक हो गया, इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। ये देखें, ऐसे ये देखें, ये वाली क्रीम है, और इसके अंदर 3 वाली 2 और 3। अब लेमन जूस भी 3 टेबल स्पून, इसी हुई ये वाली ग्रीन चिल्ली, ये सब हो गया। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके थोड़ा फ्रिज में रखूँगी, और उतनी देर में वो विनीगर को भी टाइम हो जाएगा, फिर उसको वॉश करके उसको भी मसाला लगा के रख देंगे। अब मैं इसको अपने हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। चलो ये अच्छी तरह ये भी हो गया मलाई बोटी का भी, फिर भी मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर मिर्चें मुझे कम लगी तो मैं 1-2 और ऐड कर दूँगी जी। इधर मैं उधर मैंने चिकन मलाई बूटी, मलाई टिक्का, उसको मैंने सारा मैरिनेट करके थोड़ा फ्रिज में रख दिया है, और सब्जी को जो मैंने लगाया था मतलब होल चिकन को, विनीगर और नमक, उसको काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बंद की थी। अब इस तरफ मैं रखने लगी हूँ आलू गोश्त का शोरबा। गोश्त मैंने वॉश कर दिया है, और मैंने 1.5 लिया था मैंने, क्या कहते हैं उसको, प्याज, और इसमें मैं डालने लगी हूँ रेड मिर्ची। तो मैं आलू गोश्त बनाऊँगी, अगर मेरा दिल किया तो बीच में मटर भी डाल दूँगी। चलो ठीक है, क्योंकि आलू गोश्त भी हो जाएगा, साथ में सब्जी है, चावल हो जाएंगे। इधर मैं डालने लगी हूँ हल्दी,
जो बहुत ही ज़रूरी है खाने में, ये लें। ठीक है, चलो इसमें अभी ये नमक आ गया, बिस्मिल्लाह। बाकी मैं ऑयल नया लेके आई हूँ, वो मैंने आपको दिखाया है। मैंने कहा जो अभी ये है ना, इसको पहले मैं डाल देती हूँ, उसको फिर मुझे ओपन करना है, अभी थोड़ा टाइम ना लग जाए। ये गार्लिक के 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही समझ रहे, 1 टेबल स्पून, और जिंजर। ठीक है, अब इसमें मैं पानी डाल के इसको हल्की आंच पे मैं पकने दूंगी, और इसमें पानी डालने लगी मैं, ऑयल भी डाल दिया, पानी डाल दिया, ये अच्छी तरह हो जाएगा मिक्स। और अब मैं टमाटर काट के डालती हूँ इसमें। जी ये मैंने ना 3 बहुत छोटे वाले टमाटर थे जो मैंने 3 डाले हैं, छोटे टमाटर हैं, बड़े टमाटर नहीं है ये। बिस्मिल्लाह, सब कुछ डाल दिया, तो उसको भी विनीगर रखे हुए कम अज़ कम 25 मिनट से भी ज़्यादा होंगे। ओके, अब इसको मैं ढक देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। बस मैंने आलू भी काट ली थी, बस दो एक ही आलू रह गए, मैं ये भी काट देती हूँ। बस मैं ज़्यादा पटाटा तो मैंने ऑलरेडी काट दिए हैं, ये देख मैंने ज़्यादा बस ये वाले काट के रख दिए, तो चलो जी ठीक हो गया। इसको मैं वो रख देती जी, इसमें जो विनीगर वाला पानी था वो मैंने सारा गिरा दिया, वीडियो बाद में रिकॉर्ड शुरू किया। अच्छी तरह से ज़रा वॉश करके, क्योंकि फिर मसाला भी लगा दें। मैं चाहूँ तो इसको ना स्टीम मैं देखूँगी पतीली में रख के पानी बॉयल करके लगा सकती हूँ, या मैं एयर फ्राई में भी लगा सकती हूँ। अभी वो मैं देखूँगी किस में लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी। राइस मैंने 2.5 या 3.25 कप करूँगी, मतलब बनाऊँगी, क्योंकि अगर सब्जी के साथ भी खाए जाएंगे और शोरबे के साथ भी खाए जाएंगे। ये इसको थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ जब ड्राई हो जाए, तो उतनी देर में इसकी चीज़ें इधर लेके आती हूँ। पहले लेमन जूस अच्छी तरह लगा दें इसको, फिर इसको मसाला लगाते हैं। थोड़ा सा इधर भी जितने भी टक लगवाए, ये मैंने बाहर से ही लगवाए थे, उन्हीं से लिया था। मैंने कहा मुझे होल चिकन दे दें, बेबी चिकन इससे भी छोटा होता है, क्योंकि मसाला जितना भी ड्राई हो, एयर फ्राई में देखूंगी ये पूरा आता है तो क्या सिस्टम है, हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है मुझे, फिर वो पानी में वही कोई चीज़ रख के इसको स्टीम करना पड़ेगा। चलो जी, लेमन जूस तो हो गया, और मैं ये तंदूरी मसाला लगाने लगी। आप घर के मसाले भी लगा सकते हो, पर मैं यही लगाऊंगी, मुझे ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, उसको स्पाइसी ही होना है। 2 टेबल स्पून मैं देखती हूँ, 2.5, क्योंकि चावल में इतना होएगा नहीं स्पाइस, और साथ में दही। मेरे पास दूसरा दही भी था, पर मैंने कहा वो नहीं, फिर ये ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लिक्विड ना हो जाए। ये 3 अभी पहले इसको मिक्स करके देखती हूँ। बिस्मिल्लाह, इस मसाले की खुशबू भी बड़ी अच्छी है, मैं अभी आपको दोबारा भी दिखाऊंगी, पहले दिखाया तो है ना वीडियो में, अभी भी दिखाया। हाँ जी देखें, आप लैदा से मिक्स करके भी इसको लगा सकते हैं, लगाने के बाद आपने टेस्ट भी करना है, बिल्कुल भी मसाला नहीं लगाना। बस 2 टेबल स्पून एक तो मेरे हाथों पे मैंने कहीं ना कहीं तक, मैं सोच रही थी ऐसी चीज़ें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, पर जाते हैं टेस्को इधर उधर जाते हैं, मैं कुछ काम की चीज़ें भी भूल भी जाते हैं। अब मैं वो वीडियो ही नहीं बना सकी, परसों हम लोग टेस्को गए, आपने टेस्ट करते रहना है, अगर मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए, कम है, तो फिर भी आपको अच्छी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, लगाना है, क्योंकि जितने भी टक लगे हैं ना उनके अंदर
मसाला चला जाए। देखिए फिंगर, फिर जब स्टीम होना है ना तो फिर उस वक्त ये दही ने पानी छोड़ देना है, तो काफ़ी मसाला ऐसे। ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में, सॉरी फ्रीज़र कह रही हूँ, फ्रिज में। और मैंने आज पहले मैंने मसाले लगाए थे, पहले भी जब मैं बनाई थी मुख्तलिफ मसाले थे, तो आज मैंने सिर्फ तंदूरी मसाला लगाया और लेमन जूस और योगर्ट। ओह सॉरी, अभी मैंने गार्लिक भी ऐड करना था। गार्लिक ये समझिए 1 टेबल स्पून है। हर एक चीज़ की अपनी एक खुशबू है। ये देख, अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, तो उतनी देर गोश्त, आलू गोश्त भी बन रहा है, मतलब उसका अभी तो गोश्त ही गल रहा है। राइस मैंने लिए ये वाले कप, ये कम से कम 2.5-3 कप है। मैंने सारे ही बना लिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब शोरबा बनना है उसके साथ भी काम आ जाएंगे, अगर कम ज़्यादा हो गए तो, वरना तो होते तो नहीं अगर हो गए, क्योंकि चिकन तो एक ही है ना, सब्जी तो एक ही बननी है। ओके मैं राइस को वॉश करके भिगो के रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? पहले भी मैंने आपको सलाम किया जब मैं काम कर रही थी और बिहाइंड द कैमरा थी, तो मैंने कहा जब मैं सामने आऊँगी तो दोबारा सलाम करूँगी और सामने आके ही आपको नए साल की मुबारक दूँगी। मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए ये आने वाला साल खुशियों भरा हो, और जो जो बीमार हैं मेरे फैमिली में या मेरे कोई जानने वाले या आपकी फैमिली में जानने वाले, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत दे, और अल्लाह ताला सबकी दिली और नई ख्वाहिशें पूरी करे। सबको अल्लाह पाक इस साल में पिछले जो भी परेशानी है, तकलीफें, दुख, अल्लाह ताला सबके दूर करें। नए साल में अल्लाह ताला आप लोगों को, हमें भी और मेरी फैमिली वालों को बहुत सी खुशियाँ नसीब हों। आप लोग भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की भी अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर करे, और उनको भी अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ नसीब हों। जो जो वहाँ पे परेशान है, तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ें दूर करे और उनको खुशियाँ नसीब हों, फ़लस्तीन फ्री हो, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनकी आसानियाँ फरमाए। और जाहिर है आप लोग भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं सुनेंगे। चलें, व्लॉग तो कब से स्टार्ट है, और मुझे तो लगता है ये व्लॉग 2 दिन चलेगा। एक्चुअली मैं ये रात का काफ़ी टाइम हो गया और मैं खाना बना रही हूँ, सुबह नया साल है और ये नया साल की रात है। आज इस दफ़ा तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया कहीं जाने को। हम लोग हर साल चले जाते हैं सेंट्रल लंदन, लंदन आई देखने, वहाँ पे फायरवर्क्स देखने, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ना मेरा ना मेरी पूरी फैमिली का। बस कल हम लोग सोच रहे हैं कि चलो जी कल का दिन खाना वाना खाएंगे, ज़रा बाहर चक्कर लगाने चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और है क्या। मैं तो ज़्यादा घर पे ही हूँ, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी कि कहीं जाने को दिल तो करता नहीं। और अभी मैंने शावर इसीलिए लिए, शावर लेके बस बालों को वैसे मैंने बांध लिया, और कल भी जो वीडियो साथ साथ मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैंने क्या कहते हैं सब्जी को, मैंने उसको स्टीम, मैंने काफ़ी जैसे आधा घंटा हो गया उसको मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, और इधर मैं क्या कहते हैं राइस भी बनाऊँगी। मैं बेटा मेरा वो गेम खेल रहा अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोग काफ़ी लेट हो गए आज। आपको पता है कि नए साल की रात है, सब बच्चे भी जाग रहे हैं और हॉलीडेज हैं सबके। इसको मैंने ना ऐसे रखा था, क्या कहते हैं, मैंने हल्की आँच पे ना, जब भी मैं पकाती हूँ ना गोश्त का सालन, तो मैं इसको हल्की आँच पे रखती हूँ, पानी डाल के, ऑयल डाल के, सब कुछ नमक मिर्च डाल के, फिर वो हल्की आँच में आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई होके ना, वो जब तक बुनाई का टाइम आता है तो सही हो जाता है। आलू भी मैंने काट के रख दिए, मटर मेरे पास फ्रोजन है, फिर वो मैं निकाल दूँगी। ये मैं राइस के लिए करने लगी हूँ, क्योंकि राइस हो जाएंगे ना तो मैं इसको रख दूँगी। खाना मैं रात का, मतलब इस वक्त समझ लें मैंने सबको न्यू ईयर विश कर दिया, पाकिस्तान अपनी पूरी फैमिली को, जो लोग इधर भी हैं उनको भी कर दिया। उधर 12 बजे के हिसाब से मैंने कर दिया था, 12 बजे से पहले, तो सारे अपने अपने घर में बिजी हैं, मेरी बहनों को भी माशाल्लाह किया, भाई को भी, सबको। अच्छा इधर जैसे बुनाई होएगी साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा दूँगी। खाना भी पक जाएगा, राइस हो जाएंगे, उसको भी मैं स्टीम कर दूँगी और उसको फ्राई मैं फिर सुबह करूँगी। स्टीम कर दूँगी
क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे हैं, सब लोग हम लोग कल मिलकर खाना खाएंगे। ये देखेंगे ठीक है। हाँ इधर ऑयल काम है, ऑयल होगा कम तो नहीं लग रहा वैसे। ये ऊपर से लाइटें जो खराब हो गई है ना, इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। ये 1.5 प्याज है, रेड प्याज, मैंने ज़्यादा प्याज नहीं डाला, एक प्याज भी मैं डाल सकती थी, मैंने कहा चलो नहीं कोई बात नहीं। काफ़ी मैं चीज़ें काम करती थी, काम कर करके ना मैं काफ़ी थोड़ा थक गई थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं एकदम सामने ही कहाँ से बात स्टार्ट करूँ। काफ़ी देर से ना मैं ऐसे ही करती हूँ, हल्की आँच पे ना ये रख देती हूँ, गोश्त भी कर देते हैं, पानी जब ड्राई होता है तो उसको थोड़ा सा फिर 5-7 मिनट में भुनाई हो जाती है। गोश्त तो वैसे ही गल गया हुआ है, ये हो जाएगा, फिर मैं हरी मिर्चें और धनिया भी डाल दूँगी। अभी उसको मुझे काटना है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया बस इतना ही, और थोड़ा मिनट, क्योंकि इनको देखना पड़ रहा है ना, क्योंकि ना मैं करूँगी फैलाऊँगी नहीं तो फिर ज़्यादा एकदम से ब्लैक ना हो। दालचीनी आपने देख ली, और ये दो मोटी काली इलायची है, काली मिर्चें, ये ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, और ये 3-4 हरी मिर्चें, और साथ में ये चिकन क्यूब्स सब डालने इसमें। इतनी अच्छी खुशबू होना शुरू हो गई है माशाल्लाह। जीरा मैंने खुद ही थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, मुझे जीरा हमें पसंद है। ये सजी के चावल है, बिस्मिल्लाह नमक कम नहीं हो गए। अब मैं ये चावल भी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाह। जब मैं पानी ऐड करूँगी ना उस वक्त भी नमक चेक कर लेंगे। ये देखें जी, अभी मैं आलू को चेक करूँगी, अभी आलू नहीं कर रहा, इसमें क्योंकि 3.25 कप ही है ना वो चावल। इसको भी पकने देते हैं, और इधर मैं शोरबा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसके यहाँ पे आलू पहले तो गलते नहीं हैं, और जब गलते हैं तो एकदम से गल जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है। चलेगी अभी राइस को भी, पहले भी मैंने देखा है लेकिन अभी भी देख रही हूँ कि चलो अभी इसको ना अभी दम पे लगाने वाले हो गए, इसकी स्टीम आनी है, वो सीधी कैमरे पर आ जाएगी। ये देखें अब चावल दम पे लगने वाले, ये मैं नीचे तवा रख दूँगी, दम पहले मैं ज़रा तेज़ आंच कर दूँ, तवा गर्म हो जाए। अब इसको मैं लगाने लगी हूँ दम, बिस्मिल्लाह, ऐसे ही बंद हो जाता है, तो ये ऐसे लगा देती हूँ, लेकिन मैं उस तरह भी लगा सकती हूँ, फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा देता। फिर मैं इसको जब चूल्हा भी बंद करूँगी ना
इसको बाद में ऐसे ही रखूँगी, इधर तवा गर्म हो जाएगा, फिर मैं हल्की आँच, हो गया तवा गर्म, बहुत हल्की आँच पे रख दिया मैंने इसको दम पे। वो मैं बता दूँगी इसको कि मैं काम कर रही थी, वो छोटी बहन को मैंने बोला था फ़ोन करूँगी, उससे बात नहीं हुई ना, दूसरी वाली से होती रही काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबी बात, मैं कब उसको भी मैं बताऊँगी भी मैं बाद में काम करना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे फिर काम भी अकेले ही करना है। और अभी मैं हरा धनिया और हरी मिर्ची साथ साथ ही चीज़ें समेट रही हूँ, बर्तन, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, मेरी नमाज तो भी हो गया जी, देखें जी शोरबा रेडी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये रेडी हो जाएगा तो मैं बता दिखाती हूँ, बताती क्यों, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मुझे हमेशा से होता है कि चिकन हो या मटन हो या लैम हो, कुछ कोई भी गोश्त हो तो उसकी बुनाई अच्छी होनी चाहिए। चलो जी, अभी गरम मसाला भी साइड पर रखेगी शायद, इसको मैं रख देती हूँ साइड पर, बिस्मिल्लाह। चलो जी, ये गलती रहेगी, इसका मैं कैप लगा दूँ। ये देखिए निशान, खुद के हाथों के निशान लग जाते, इतने बुरे लगते हैं ना। और चलो जी, गाजरें भी हो जाएंगी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर बाद में इसको मैं मिक्स करूँगी। उतनी देर ये भी हो रहा है, मैं चिकन निकाल कर उसको स्टीम करने की तैयारी करती हूँ। चले, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि आलू गोश्त का शोरबा रेडी। अच्छा देखो, मुझे याद ही नहीं रहा मटर डालने, चले कोई बात नहीं, आलू मटर का शोरबा रेडी हो गया। मटर मटर करती रही हूँ और मटर ही भूल गई। और इधर राइस मैंने रख दिया, उसको दम पे रख दिया। उधर गाजरें मेरी बॉयल हो रही हैं, जैसे सॉफ्ट हो जाएगी उनको मैं करूँगी सही। और मैं चिकन स्टीम करने लगी हूँ, और फर्स्ट टाइम एयर फ्राई में करने लगी हूँ, क्योंकि एयर फ्राई तो है, तो मैं कह रही हूँ उसी में लगाती हूँ। चिकन फ्रीज़र में से निकाला है, और अभी इसको मैं समेटती हूँ पेपर के अंदर, पेपर कह रही हूँ फॉइल के अंदर, तो फिर उसके अंदर ही रख दूँगी मैं एयर फ्राई के अंदर ही। तो देखते हैं अल्लाह करे उसके अंदर सही हो जाए, क्योंकि मैंने वो पानी में जैसे कि स्टैंड रख के तो स्टीम तो किया हुआ है उसका, तो मुझे पता है, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम करने लगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्लीज़ आप भी देखें और दुआ भी कीजिए कि चिकन स्टीम हो जाए, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये एयर फ्राई के अंदर मैं आपको पहले भी लगाया हुआ, ये स्टैंड लगा के मैं ये रख देती हूँ, और कुछ भी मैं चिकन मतलब विंग्स वगैरह या फिश कुछ भी एयर फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं सोच रही थी इसको तो मैं नहीं रखती, तो चिकन है या तो इसको ऐसे रख के, सॉरी इसी को रख देती हूँ सीधे के सीधे ऐसे, और इसके ऊपर रख दूँगी चिकन। हाँ ये तो अभी पहले मैं चिकन को कर लूँ सही, जो मैं आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। अल्लाह अगर इसके अंदर पूरा आ जाए, नहीं आएगा तो फिर मुझे जाहिर है वही सेम अपना पुराना प्रोसीजर ही करना पड़ेगा। ये ऐसे मैं कैसे दिखाऊँ आपको, आ रहा है नज़र। हाँ, मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और इसके लगाने के बाद फौरी सारा चेक कर लेगी राइस, और ये स्टीम होता रहेगा, और मैं नमाज पढ़ूँगी, ठीक है। चलो इसको ऑयल को बंद करें, और मैं कह रही इसके अंदर आ गए हैं। बिस्मिल्लाह, ओके। हाँ लेकिन वो फॉइल तो लपेटे है ना, वो तो ऑलरेडी स्टीम ही होएगा, मैंने इसलिए वारस को ही बुलाया, तुमने रोस पे लगा दिया। अच्छा ज़रा थोड़ा मैगा पीछे कर दूँ, फिर बहुत स्टीम निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह जी वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जी इस सैरा के कारनामे कितने अच्छे राइस हुए हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा से वाइट राइस ज़्यादा पकाती हूँ ना, फिर अच्छे लगते हैं। क्या कहते हैं, अभी चूल्हा बंद करके ना इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। चलें जी, राइस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। और ये जो गाजरें जब सॉफ्ट होएंगी ना, तो मैं सुबह फ्रेश गजरेला जल्दी बन जाएगा, इसको मैं ना मैश करके रख दूँगी। और
ये भी खाना रेडी हो गया है, हम लोग तो ऑलरेडी खा चुके हैं। अब भी रात के 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो गया, मेरा ख्याल 1 बजने वाला है, 1 बज गए। उसने भी खाना खा लिया, हमने भी खा लिया, तो ये रखा है कल आराम से बैठेंगे नए साल, क्योंकि मुझे लगता है कि नए साल वाले दिन फिर बंदा थोड़ा रेडी हो जाए। और प्लस मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, फिर मैं ये चिकन जो स्टीम किया हुआ है ना इसको ऐसे ही रखूंगी, फिर कल फ्रेश फ्राई करूंगी, राइस को अच्छी तरह मैं गर्म करके फिर उसके साथ हम लोग आपस में बैठ के खाना खाएंगे, हम सब आपस में बैठ के खाना खाएंगे, आप भी और मैं भी। तो 3 चीज़ें तो हो गई, अभी टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा पी लेंगी, फिर इसको मैंने वो तो कुछ उसने खा ही लिया, मैंने भी घर से ही कुछ खा लिया। तो चलो फिर ठीक है, इंशाल्लाह इसी ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो देखो सामने, सबको बोलो हेलो, ये मेरा पारा बेबी है, ये मम्मा का बेबी है, ये सारा का बेबी है। चले फिर सारा को इजाज़त दें, ओ बिस्मिल्लाह। चले जी इसी के साथ सायरा को इजाज़त दें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।